दानवी तिवारी, और जैसे आप देख रहे हो हमने जस्ट अभी चेक इन किया जयपुर में। एंड मम्मी कैसा लग रहा है, कैसी लगी प्रॉपर्टी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है ना? सबसे बढ़िया तो बात ये है कि कनेक्टिंग। आपको प्रॉपर रूम टूर दूंगी, पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद। ये Hi guys, I am going to give you the tour of our room. So हम यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ पे वी हैव अ कबर्ड। गाइज हम इसका एक्चुअली यूज करने वाले हैं। अभी बस मैं और मम्मी आज रात मिलकर यहाँ पे सारे कपड़े लगाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे काम वगैरह करने वाले हैं, हमें आउटफिट वगैरह रखने होंगे। राइट में वी हैव दिस टेबल जहाँ पे राइट में वी हैव दिस टेबल राइट हियर जहाँ पे आप बैठ सकते हो, बहुत चीजें वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे वी हैव चाय बनाने की चीजें, पानी, और आप जो खाओ पियो वो रख सकते हो। एंड सामने वी हैव अ ह्यूज मिरर, और यहाँ पे आप मस्त अपनी ओवर टीवी ले सकते हो। और यहाँ पे मिरर के बाजू में वी हैव अ वॉशरूम। सो हमने हमारा स्टे कुछ 5 से 6 दिन का, इसके लिए वो लोगों ने खुद ही हमारा रूम अपग्रेड कर दिया है, और अपग्रेड करने में हमें मिला है बाथटब। सो वी हैव दिस। अब हम चलते हैं वापस हमारे रूम की ओर। चाय वाले यूनिट के एग्जैक्ट बाजू में वी हैव अ कनेक्टिंग डोर टू मम्मी पापा'स रूम। सो काफी अच्छा लगता है, रात में भी हम इधर उधर आते रहते हैं, घर जैसी, एक्चुअली घर जैसी फीलिंग, सो ट्रू। फिर वी हैव टीवी राइट हियर जिसमें हम देखेंगे बिग बॉस। यहाँ पे वी हैव अ वर्क डेस्क, और सॉरी यहाँ थोड़ा सा हमने फैला दिया है, ये टेबल है जिस पर आप बैठ के काम कर सकते हो। यहाँ पे है 2 सोफा, और यहाँ पे आप लिमका पी सकते हैं। ऐसा मैं लिमका की ऐड कर रही हूँ। एंड वी हैव अ नॉर्मल काइंड ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे घर और बिल्डिंग्स वगैरह हैं। एंड हियर वी हैव 2 टेबल्स अगेन, एंड वी हैव द बेड जिसपे हम बैठे ही नहीं क्योंकि वो टूर के लिए खराब हो जाता, बट काफी बड़ा बेड है। अच्छा रूम, अभी हम काम करने वाले हैं आज थोड़ा, मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, और मैं और मम्मी मिलके वहाँ पे हमारी अलमारी सेट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। आपको बहुत मैसी लग रहा होगा, बट यहाँ पे हमारे सारे एक टाइप के टॉप्स हैं, यहाँ पे सारे कंफर्टेबल टॉप्स हैं, यहाँ पे सारे क्यूट क्रॉप टॉप्स हैं, यहाँ पे जीन्स पैंट्स प्लाजोज हैं, यहाँ पे हमारे सारे शॉर्ट्स हैं, और पीछे 1 पीसेस है। मम्मी ऐसा ही करना। हाँ रुक, आ रही हूँ। जानवी का काम चालू, वो वाली मानो कुछ नहीं करती, उनका काम चालू खाना। दिखाओ जाके, नहीं इन लोगों ने कैमरा चालू करके यहाँ अभी तक मैं लगवा रही थी, नहीं टाइम लैप्स चल रहा था झूठी। यहाँ पे हमने लगाए हैं सारे कुर्ते और थोड़ी बहुत शर्ट साड़ीज वगैरह जो हमें पहननी है, एंड डन। अब चले खाने, चलो। तो हमने मंगवाई है 1 कैपेचिनो, 2 चाय एंड सम पिंक सॉस पास्ता। Hi guys, हमने पास्ता मंगवाई तो थी, पर पास्ता तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी, तो मुझे तो अभी भी भूख लगी हुई है। पता है तू कौन से एक्सेंट में इस व्लॉग में बात कर रही है? पेरिस, ओस्लो, लागोस, न्यूयॉर्क, जकार्ता, अबू धाबी, बट हमारे जयपुर। सॉरी गाइस, मुझे माफ करना। अच्छा मैं आप लोगों को ये बात तो बताना ही भूल गई, हम जिस होटल में रुकी हुई है वहाँ पे ही गोलगप्पा गर्ल भी रुकी हुई है। तो हमने पहले सोचा था हम बाहर सिर्फ डिनर या लंच करने के लिए जाएंगे, बट फिर ऐसा हुआ कि हम सेम ही फ्लोर पे रुके हैं। I am so excited, like, लॉकडाउन से उनसे ऐसे बात कर रहे थे। अब भैया नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने मेरा आउटफिट चूज कर लिया, मैं मेरी बहन का आउटफिट चूज करूंगी, बिकॉज आई एम हर अनपेड स्टाइलिस्ट। झूठी कितनी है, मुझे तो झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही। चेहरे पे बिना शिकन के कोई झूठ बोलना इससे सीखे। अच्छा बता क्या पहने? देखा आ गई ना लाइन पे। मुंह नहीं बर्तन मान दूंगी। जानवी ने ना ये जो बॉटल है ना, ये विम बार से धुल के भरी थी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मुंह नहीं है, ये कढ़ाई मांझ ली मैं, पर मेरा मुंह तो तपेले देता है।
ओके गाइज, सो दैट्स माई आउटफिट एंड दैट्स हर आउटफिट। मेरा जो पैंट है वो है ज़ारा से, टॉप मैंने कस्टम करवाया और पापा पीछे मैच देख रहे हैं। एंड दीदी की कुर्ती इज फ्रॉम कानपुर के कौन से गोविंद मार्केट। पैंट्स आर फ्रॉम बीबा रंगरीति। हाँ, बीबा में रंगरीति मिलता है। और इसके चप्पल है फ्रॉम वेस्ट साइड, मेरे हैं ज़ारा। सो यस मम्मी, हम कैसे लग रहे हैं? चलो लेट्स गो। ऑल्सो दिस क्लच इज फ्रॉम चुंबक। एंड हियर वी हैव पूजा दीदी। हाय, फाइनली वी आर मीटिंग। सो नाइस टू मीट यू। सेम बहुत, दोनों को स्पेगेटी बहुत पसंद है एंड दे एंडेड अप ऑर्डरिंग इट। नेक्स्ट डे। ब्रेकफास्ट किया एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी। तो मैंने नेल्स करवा रखे, मम्मी ने करवा रखे, दीदी ने करवा रखे, तो जो नेक पीसेस है वो कोई बंद करने के लिए नहीं है। एंड पापा इज स्ट्रगलिंग नाउ। आई एम रेडी एंड दैट्स माई आउटफिट। ये आउटफिट लिया है मैंने रेड कार्पेट से, सूरत में एक लोकल स्टोर है। एंड आई लव माई लिपस्टिक, इट इज लाइक मरून ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड। सो ये है स्मैश बॉक्स की मिनी कम्फर्ट। एंड हाँ, हेली गिफ्टेड गोपू दीदी, बट आई एंड अप यूजिंग ऑल द मेकअप दैट इज गिफ्टेड टू हर। इज इट ओके इफ आई एम स्टे? आई एम कैचिंग फीलिंग्स फ्रॉम ऑल द डीलिंग्स। आई माइट स्टे, व्हाट डू यू से? हाउ आर यू फीलिंग? इज इट द सेम? सो हमारा काम हो गया, अब हम फटाफट बिलिंग करवाते हैं और थोड़ा बहुत रख लेंगे और घर चले जाएंगे। 10 seconds later. जानवी को सूरत में सफोरा नहीं मिलता है, इसको यहाँ मिल गया है, ये पागल हो गया। हमें बस एक गिफ्ट लेनी थी पर अब सारा पैसा बर्बाद। जानवी बस गाइस, यहाँ पे बहुत बहुत सारी ब्रांडेड्स है। रियली गुड मॉल, वेरी गुड मॉल, वेरी गुड मॉल। यहाँ पे 1 लाख रुपए है ना? हाँ, तू भी मेरे को देना। Look at the view. भैया ने कहा भैया पिंक सिटी में काम करते, भैया का रिक्शा भी एकदम पिंकी है, सो क्यूट। देख पीछे देख। तो अभी हम दीदी के थोड़ा काम कर रहे हैं, हॉस्टल वगैरह देख रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे होटल और मम्मी पापा को लेके घूमने निकलेंगे शाम को। अभी बहुत धूप भी है ना, तो हम अभी काम कर रहे हैं। हम लोग वापस होटल पे आ गए, मम्मी पापा तैयार हो गए और अब हम सब जा रहे हैं चौकी धानी से। हमने सोचा था हवा महल और बाकी सारी चीजें जाएंगे, बट वो सब है ना 5 बजे बंद हो जाता है और 5 बजे तक हम बाहर थे। हम थोड़ा बहुत काम वगैरह कर रहे थे, वीडियो वगैरह, थोड़ा रिसर्च का काम था वो कर रहे थे। हाँ, और अभी हम जा रहे हैं चौकी धानी। आई एम एक्साइटेड, अगर वहाँ पे वो सब बनाने बनाने को मिला। अभी डिनर का टाइम नहीं है पर हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। वेरी प्रीटी, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, एवरीथिंग इज सो गुड है ना, मेंटेन बहुत अच्छा। लसन की चटनी, भूख लगी है। ओके है, लेट्स गो।
पापा में खाने नहीं देते हैं, बट पापा आज तो हम खाएंगे। मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, मैं पसर जाऊंगी। ये पसर जाऊंगी। चल चल चल। ने लास्ट हमें गोवा वाले ट्रैवल ब्लॉग में बर्फ का गोला खाते हुए देखा था, और उसके बाद अभी ये जयपुर वाले ट्रैवल ब्लॉग। बर्फ का गोला होना है सीधा सोल को जाके टच करता है। सो मैं करने जा रही हूँ ब्लॉग प्रिंट इस पे। मुझे ब्लॉग प्रिंटिंग का बहुत लाइक ऐसे मैंने देखे हैं और मेरा मन था, ऐसे शौक था कि मैं करूँ, तो अभी मैं करने जा रही हूँ। हमने वो अम्मा से इतना खा लिया है कि अब हमारे पेट पे जगह नहीं है, बट वी हैव ऑलरेडी पेड, सो वी आर गोइंग। ऑल्सो याद है वो विवाह में छोटी छोटी डाइनिंग टेबल मुझे भाई। ये क्या है? ये राजस्थानी कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू। एंड गाइज वी आर बैक होम। आई एम सुपर टायर्ड, वी ऑल आर सुपर टायर्ड। कल से हमारे चैलेंज वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, सो वी नीड गुड रेस्ट। एंड नाउ मी एंड दीदी मामा सब सो ही जाएंगे एक्चुअली। एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। द व्लॉग डिड नॉट एंड। हाय गाइज, इट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एंड वी आर गेटिंग रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाने। हम सिटी पैलेस जा रहे हैं, पत्रिका गेट जा रहे हैं। तो ये है मेरा आउटफिट, दिस इज फ्रॉम रिवाज बुटीक। एंड मैंने बहुत मुश्किल से मेरी आई लैशेज लगाई है, और मैंने ये डब्बे में मेरी आई लैशेज लेके आई थी, और मैंने उनको बोला कि सीजर दो मुझे काटनी, उन्होंने कट दिया। एंड इट वॉज सो हार्ड टू अप्लाई आई लैशेज, आपको जानना नहीं था बट मुझे बताना था एनी विच वेज। एंड वी आर रियली हंग्री राइट नाउ, सो बहुत भूख लगी। सो हमने ऑर्डर किया एक क्लब सैंडविच एंड 1/2 चाय। एंड यू लुक प्रिटी। आई नो आई लुक प्रिटी बट आई एम हंग्री। हाँ आ रहा है, आ रहा है खाना, आ रहा है। आपने कितने केबीसी के एपिसोड देखे रिपीट पे? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। ये है पापा का आउटफिट और मम्मा यहाँ पे तैयार। पापा जल्दी तैयार हो, चलो। मैंने कहा था ना पापा इज वॉचिंग टीवी। हाँ बस नाश्ता ही कर रहे हैं। और हमारा खाना आ चुका है, उठाओ। ओ वाओ, लुक गुड। फाइनली और चाय आ गई है। मम्मी आओ। ये बुरी बेटी। मम्मी का, मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं आप मेकअप करना सीख जाओ, मैं कुछ ज्यादा नहीं करती। मम्मी कहती है नहीं मेरे को तुझसे मेकअप करवाना। हाँ मैं वो कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ, लेकिन ये करे उसकी बात ही अलग है। थोड़ा बेटी का प्यार, वो बेटी का प्यार। मम्मी आप लोग ही फिर सीनियर सिटीजन का? नहीं नहीं नहीं, पापा इसलिए अगर सस्ता मिल रहा हो तो मैं ले लूंगा।
गाइस यहाँ पे दो टाइप की एंट्री होती है, एक होती है रॉयल की और एक होती है नॉर्मल। नॉर्मल 200 रुपीस की है और रॉयल की 2000 रुपीस की है। जो हमने तीन लिए मेरी दीदी की और हिमांशु भैया की, क्योंकि हमें वहाँ पे फोटोज रील्स वगैरह लेनी है, जिसके लिए मैंने इतना मेकअप किया है। With the same soul from the left side, put it up in your eyes. जो आप पूरा ब्लू देख रहे हो, ये नेचुरल कलर्स है एंड व्हाइट इज स्टोन, राइट? यस ब्रो, आई कांट बिलीव इट। सो पहले तो यहां पे कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। इट्स सो क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल। एंड सी द व्यू। हां bomb picture and I'm so happy. It is worth if you have a similar business like us and you need good pictures, you can definitely pay 2000 rupees. And even if you want to know about the culture, you can pay. ये लोग हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा रहे हैं। और वो अभी है ना, वो जो बीच में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दो कैंडल्स भी हैं, वो उसे जला के दिखाएंगे कि 100 दिया के साथ वो कैसा लगता होगा रूम। एंड आई एम एक्साइटेड टू नो दैट एंड आई एम जस्ट लविंग एवरीथिंग। Place is so pretty. I can't believe this. Like somebody literally owns it. ये दिवाली यहाँ मनाते हैं, यहाँ बाहर डिनर करते हैं, इस व्यू के साथ इतने दीपक जलता है। ये literally this is so fascinating. एकदम रॉयल। We are going to change. Let's do it. I'm done with the outfit change, so that's my outfit now. And jewelry proper exchange कर ली है। And यहीं पर लोग हमारा बिल्कुल अलग हो गया। अब चलते हैं। हाँ, और मैं बताऊँ, मैंने होटल में बहुत थोड़ा खाया था तो मुझे तो भूख भी लगी। तू पूरे व्लॉग में यही बोल रही है, मुझे भूख लग रही है। काट देना यार, मैं क्या करूँ बता। मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, मैं अच्छे से खा नहीं पाती, फिर ऐसे होता है। That's my outfit. लुंगी है ना पापा, लुंगी डांस, लुंगी डांस। क्यों जानवी बहुत फीलिंग वेरी ऑकवर्ड की तैयार होके हम लोग दुल्हन के ट्रैवल। गाइज एक फ्री की टिप देना चाहेंगे, अगर पत्रिका गेट पे आ रहे हैं तो प्लीज सवेरे आइए, शाम को बहुत रश रहता है, बहुत मुश्किल से जानवी की बारी आई है। अभी भी पीछे कुछ लोग तो खड़े हैं। सेम डे, राइट नाउ इट इज 8:30 एंड आई हैव चेंज्ड माय आउटफिट, क्योंकि हम जा रहे हैं डिनर करने। वी आर गोइंग टू रामबाग एंड हमें ज्वाइन किया है हमारे मामा जी ने। चलो उनसे मिलते हैं। हेलो मामा। हाय मामा, आए कानपुर से यहाँ पे अपनी बहन से मिलने, ठीक है? गाइस दिस प्लेस इज सो आई फील लाइक अ महाराजा प्लस लाइक हम जो हमारे बर्थडे पे सेटअप करवाते हैं ना, वैसा तो इनका सामान है। हाँ दिस इज देयर रेगुलर, सब कुछ इतना गोल्डन है, इतना सुंदर है। तो वाइब इज सो गुड। Guys, this is so good.
है ना, जस्ट ब्लेंड्स इन योर माउथ. ओ गॉड, आई सॉरी बट आई लव इट. मैं यहाँ करना चाहती हूँ लिविंग इन वॉशरूम फॉर लेजेंड 24 आवर्स. सो प्रीटी, सो प्रीटी. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.